हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू रिएक्शन वीडियो 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 वीडियो। तो सीन क्या है? सीन ये है कि हम लोग थे शूट पे और अचानक मेरी नजर पड़ी कि पठान की अनाउंसमेंट डेट अनाउंसमेंट वीडियो आ चुकी है और ये मच अवेटेड ट्रेलर है। ट्रेलर भी है, शाहरुख खान की मूवी आ रही है पठान। तकरीबन 5 साल बाद शाहरुख खान बड़ी स्क्रीन पे वापस आ रहे हैं और काफी लोग एक्साइटेड हैं इसको देखने के लिए। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ शाहरुख खान की वापसी के लिए। देखते हैं अभी ट्रेलर क्या होता है। जब एक बंदे ओवरलैप नहीं करते यार अपना, मुझे पता है यू आर रियली एक्साइटेड। नहीं देखे इस प्रोडक्शन की वो उनमें कोई ताल्लुक नहीं, ये मेरी प्रोडक्शन है ये, ठीक है। तो क्या हो गया आपको भी पता ही रात में सेट, मेरे सेट पे थे तुम आज इधर। भाई आपको पता ही नहीं है मार्वल वालों ने डीसी वालों को अपने सेट पे बुला के उनका पूरा सीन शूट करके दे दिया। इतने बड़े बड़े ब्रांड करके दे देते हैं। तो ये तो हम लोग तो भी स्टार्टअप में है सारे, ठीक है ना। दुआएं लो भी, दुआएं बहुत जरूरी होती है स्टार्टअप के लिए, क्योंकि ये तेरा काम नहीं है। तू अपनी डिग्री का फायदा उठा, जाके कहीं जॉब कर, छोड़ देगा, तुझसे नहीं होगा। और मेरी एक्सपर्टीज इसमें नहीं है तो मैं आउट हूं इससे। इक्विटी कितना देगा, कितनी होगी? तो देर ना करते हुए बढ़ते ट्रेलर की जानिब। ट्रेलर पोस्ट हुआ है यशराज फिल्म के ऊपर और यशराज वाले थोड़ा गुस्सा कर जाते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक मार देते हैं। नहीं मारना शाहरुख के लिए, शाहरुख के लिए, शाहरुख खान के लिए। सुनते हैं तभी तो अमल करते हैं, तभी तो वो एक बटन दबाते हैं जिससे क्लेम आता है, फिर स्ट्राइक हो जाता है। लेकिन नहीं नहीं अच्छे हैं। प्लीज ट्रेलर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने नहीं देखा तो काइंडली जाके देखें। और अगर देख लिया तो हमारे साथ और हमारे साथ देखें। और ये बैकग्राउंड पे बैकग्राउंड आर्टिस्ट सस्ती सस्ता फेम के लिए अपनी आवाज दे रहे हैं। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं ट्रेलर की जानिब, अनाउंसमेंट डेट की जानिब। सो लेट्स फादर टू माइट वाली जंप इन टू द वीडियो। हमारे देश में हम नाम रखते हैं अपने धर्म या जाति से, पर उसके पास इनमें से कुछ नहीं था। यहाँ तक कि उसके पास कोई नाम रखने वाला भी नहीं था। अगर कुछ था तो बस यही एक देश, इंडिया। तो उसने अपने देश को ही अपना धर्म मान लिया और देश की रक्षा को ही अपना कर्म। और जिनका नाम नहीं होता उनका नाम कर्म उनके साथ ही कर देते हैं। कैसे पड़ा इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जल्दी मिलते हैं पठान से। गूज़बम्स आ रहे हैं, इंट्रो काफी टाइट बनाया है उन्होंने। पठान नाम कैसे पड़ा, एक तो यही सवाल बन गया सबसे पहले। तमिल में भी आ रही है ये, कितनी लैंग्वेजेस में आ रही है ये। गुड़ यार 50 साल हो गए यशराज को, यशराज को 50 साल हो गए फिर भी कॉपीराइट मारना नहीं छोड़ रहे यार। मुझे अच्छा लगा ये ट्रेलर पर्सनली। ट्रेलर भी नहीं था, अनाउंसमेंट वीडियो थी ये। और काफी मतलब सीजी हैवी था ये, सीजी बहुत था, सब ग्रीन स्क्रीन था, सारा ग्रीन स्क्रीन था। लेकिन वो जो एक फील आ रहा था ना कि शाहरुख खान वापस आ रहे इतने टाइम बाद, वो था। और मुझे याद है कि जब इनकी रईस आई थी शाहरुख खान की, तो उसमें भी ये लोग ऐसे ही काम कर रहे थे कि रोज छोटे छोटे टीजर आते थे, शायद तुम्हें याद हो कि नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत एक्टिव था इन चीजों पे। तो ये होता था रोज एक नया प्रोमो आता था, रोज 3 दिन में पठान एंट्री इसके वॉक से ही होती है। वो शाहरुख रईस पे भी धुएं से करके वॉक कर रहा है, सेम वाइब वही आ रही है। वो हैप्पी न्यू ईयर पे भी सिक्स पैक दिखा के भाई आग लगी होती थी। तो वाइब तो शाहरुख खान वही है ना, लेकिन उसी चीज के लिए तो पैसा छाप रहे हैं वो भाई, सीधी सी बात है। क्योंकि शाहरुख का एक ऑरा है भाई, किसी का 2-3 एक्ट्रेस हैं जो अपना ऑरा लेके चलते हैं। शाहरुख और ऋतिक है उसमें, शाहरुख और ऋतिक जब भी आएंगे फ्लेयर पे उनका कोई नहीं है, और भी है, लेकिन शाहरुख और ऋतिक जो है ना उनका जो ऑरा है ना, सल्लू भाई वो तो तुम्हें कल वो वीडियो दिखाई थी ना वो मैंने, ओ जाने जाना वो हमारा एक और रिएक्शन है, वो आप देख लीजिए, वो मजे का था। लेकिन शाहरुख खान का जो एक और है ना, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो ऐसा फील होता है कि वो उनकी वाइब्स ये है कि भाई वो एक स्टार है भाई। शाहरुख स्क्रीन पे आता है ना तो पता चलता है कि एक स्टार आया है, ऋतिक स्क्रीन पे आता है पता चलता है स्टार आया है, ठीक है। अब हम जैसे लोग आते हैं तो चलो मेरा पता चल जाता है, कईयों का नहीं पता चलता। ऑडियंस स्टूडियो में लाफ दे रही है, मैं बैकग्राउंड लाफ आ रहा है, थैंक यू थैंक यू।
ऑडियंस खुश तो दुनिया को। ऐसा नहीं यार, हमें हीरो लगता है। ओ जाने जाना ढूंढे तुझे सलमान के गाने पे। और जैसे हमने कल रिएक्शन किया था आयरन मैन का करके, और लड़की आयरन मैन के कपड़े पहन के रैंक में स्पाइडर मैन करने लग जाती है। नहीं लेकिन बात नहीं बदले। ओ जाने जाना जानी जानी जानी, चलो ओ जानी पे एंड करें। नहीं नहीं अभी तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा, सीजी तो पहले ही देख लिया था ये। पूरा क्रोमा पे शूट हुआ है तो अच्छा था। और तुम वैसे पर्सनली तुम फोटोग्राफी फील्ड में हो, इस फील्ड से हो, कैमरे के ऊपर रिलेटेड हो, तो तुम बताओ। मैं तो मुझे तो साफ पता दिख गया ना कि क्रोमा पे शूट हुआ है। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि वाइब कैसी थी। कलर कलेक्शन बहुत टाइट थी, बहुत अच्छी थी। कलर कलेक्शन बहुत टाइट थी, फुल हॉलीवुड वाइब, फुल हाँ। और शुरू में जॉन और बिपाशा का, बिपाशा दीपिका पर डिपेंड करता है। कैसे पता? क्योंकि मैंने आवाज सुन के पहचान लिया था दीपिका। ये देखो मेरी दीपिका इज माय फेवरेट। दीपिका और जॉन इस मूवी में होंगे नहीं शायद, आएगा ये अनाउंसमेंट के लिए है सिर्फ। कैमियो हो सकता है, छोटा सा कैमियो। लेकिन समटाइम ये होता है कि अनाउंसमेंट को हाइप देने के लिए भी चीजें की जाती हैं कि अनाउंस करने आए हैं दो, एज अ फ्रेंड, एज अ गेस्ट, एज अ कुछ भी। वॉइस ओवर तो उनका है ना, वो थे भी, वो स्क्रीन पे भी थे, वो स्क्रीन पे भी थे वो। और दीपिका का मेकअप बहुत अच्छा, टैन लुक दिया हुआ था दीपिका को, बहुत अच्छा लग रहा था वो। और जॉन का लुक भी अच्छा लग रहा था, जॉन काफी स्मार्ट लग रहा है। जॉन पर्सनली मुझे जॉन अच्छे लगते हैं। कुछ उनकी मूवीज जो होती है ना, या देखो कुछ मूवीज होती है एक्ट्रेस करते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए। जॉन कोई और विलेन हो इसमें, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। ये जॉन कोई शुरू में तो नैरेटर था, ये नैरेटर था शुरू में, तो नैरेटर ही थे दोनों। विलेन हो इसमें, कुछ हो इसमें, नहीं मुझे नहीं लगता। या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अज्यूम करने के लिए कुछ भी कर सकता है, हो सकता है कुछ नहीं। देखते हैं, देख के। ये तो अभी अनाउंस, अभी 25 मार्च को आएगा ट्रेलर, आएगा या पता नहीं क्या आएगा। और एंड में जो वो टाइटल था वो भी मुझे बड़ा इनोवेटिव लगा, काफी मजे तरीके से पठान का पी ऐसे घूमता हुआ, 3D फुल ए घूम रहा है ऐसे, फिर पूरा आगे सेट हो रहा है और फिर पठान, फिर वो चिंगारी हो जाती है, हाँ आग लगती है। तो आग तो लगने वाली है, शाहरुख आएगा स्क्रीन पे 5 साल बाद तो आग तो लगेगी। बस हम चाह रहे हैं कि थिएटर खुले हों उस टाइम तक, क्योंकि थिएटर बंद होते रहते हैं बीच बीच में कोविड की वजह से। लेकिन अल्लाह यहाँ तो शाहरुख खान नहीं, नहीं थिएटर खुल जाते हैं। समटाइम ये होता है ना कि मूवी लग भी जाती है। मैंने शाहरुख खान की कई फिल्में फर्स्ट शो देखे हैं, पर यहाँ नहीं देख सकते पाकिस्तान में। अब नहीं भी बहुत टाइम है, तब तक कुछ भी हो सकता है। पैसे आ जाएंगे तो ये दुबई में जाके दुबई जाके देख लेंगे उसमें क्या। अभी हम लोग देखने के लिए कहीं भी चले जाएंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए प्लानिंग है, बराबर में एक पठान का होटल है, ये जाके उसको पठान करके भी देख लेंगे। पठान दो दो दवा दो चाय दो कट, वो मैं उसको देखने, वो आगे बोला तुम हमको ऐसे क्यों देखती है। हेलो गाइस हाउ आर यू, शुरू हो गया। तो तुम हमको ऐसे क्यों देखती है, हम पठान देखने आई है। कुछ भी हो सकता है, लेम जोक था, सॉरी इसके साथ रह रहा हूँ कल से। सो मुझे ओवरऑल ट्रेलर बहुत, अनाउंसमेंट डेट वाला जो वीडियो है वो बहुत अच्छा लगा है। और सीजी हैवी था वो तो था, लेकिन ये था कि मुझे कलर करेक्शन बहुत अच्छी लगी है। ओवरऑल मैं एक्साइटेड हूँ। और शाहरुख का लुक इतना दिखाया नहीं गया, सिर्फ एक ग्लिम्स था, बड़े बाल दिखे, बड़े बाल दिखे और खत्म। वो भी एक सेकंड, एक मिली सेकंड ऐसे हुआ है वो। तो शाहरुख का लुक भी नहीं दिखाया गया। और शाहरुख ने इसमें बोला है कि नाम कैसे पड़ा ये जानने के लिए करिए थोड़ा इंतजार। तो ट्रेलर शेलर शायद तुमने वो सलमान खान वाली फिल्म देखी हो जिसमें सिख बना है। हाँ वो देखी, जैसे उसके बाल खुलते हैं सिख में, वैसे कुछ लुक लग रहा है मुझे। हाँ मुझे अच्छी भी लगी वो फिल्म, काफी अच्छी फिल्म थी। काफी टाइम बाद ड्रैग लगा, ड्रैग तो कहाँ ड्रैग लगा तुमने बीच में आके, वो काफी बीच पे तो गई नहीं, वो तो सारी बीच में कब गए। अबे मूवी का बीच का पार्ट सेंटर का एरिया, सेंटर बोलो ना, बीच पे सेंटर हो या बीच हो ये बात तो एक ही है। बीच पे जाता है बंदा, बीच कपड़े पहने, वो बीच वाली शर्ट पहनी हुई है, वहीं से आ रहा हूँ मैं, बीच से आ रहा हूँ। तो खैर खैर तो मैं आ रहा हूँ, जंग लड़के आ रहा हूँ ना जैसे। So guys, that's it for now. This is our trailer reaction on Pathan. और अगर इसके अंदर पठान की क्लिप है इस ट्रेलर के अंदर, इसका मतलब हमें यश राज ने छोड़ दिया है। और अगर क्लिप उड़ा दी है मैंने और से वीडियो चल रही है और ऑडियो गायब हो गई है, या वीडियो भी गायब हो गई है, तो कुछ और अगर ये खुद गायब हो गया तो मुझे उठा के ले गए।
मुझे आके सल्लू भाई को कैसे बोला? सल्लू टीम आई है, यश राय टीम आई है, सलमान सल्लू कैसे बोल रहे हैं तेरी क्लास में? सल्लू कैसे है?